तांडव, अगर अंग्रेजी में कहूं तो एक शब्द में कहूं तो इट्स बिग, इट्स ह्यूज एज अ वेब सीरीज। ये आया कि जब पता चला कि ये तांडव है, अमेजोन पे आएगा और हिमांशु मेहरा इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं हिमांशु मेहरा को पहले से जानता था, मुझे मालूम था कि वो अच्छा ही कुछ बना रहे हैं बड़ा। और प्लस फिर पता चला कि अली अब्बास इज गोइंग टू डायरेक्ट दिस, सैफ अली खान इसमें है, डिम्पल कपाड़िया जी हैं, तिग्मांशु धूलिया हैं, बहुत सारे एक्टर। तो जब पूरा पूरा एक प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल पता चली कि ये प्रोजेक्ट कौन डायरेक्ट कर रहा है, कौन बना रहा है, किस प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम होने वाला है और कौन कौन एक्टर्स हैं, तो मुझे लगा कि रोल तो सुन ही लेंगे, पहले हाँ बोल दो क्योंकि जो रोल होगा अच्छा ही होगा। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूँ आपके साथ इति और आप मुझे देख रहे हैं लव भारत टाइम्स ऑनलाइन पर। और इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है अनूप सोनी, जो वेब सीरीज तांडव में एक अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। तो सबसे पहले अनूप सोनी का स्वागत करते हैं लव भारत टाइम्स ऑनलाइन पर। वेलकम टू एनवीटी अनूप। थैंक यू सो मच, थैंक यू इति। कैसे हैं आप सबसे पहले ये बताइए, और कैसा है? एक्साइटेड, यू नो, बिकॉज वेब सीरीज हमने शूट की थी लास्ट ईयर और इंतजार चल रहा था, एंड देन वी ऑल नो कोरोना हैपेंड एंड इट गॉट लिटिल डिलेड, बट फाइनली द डेट इज कम एंड एवरीबॉडी इज एक्साइटेड। जी। और जैसे कि टीजर को और ट्रेलर को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ऐसे में जो फैंस हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं बढ़ जाती हैं, और आप एज एन एक्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, क्या कुछ कहेंगे अनु? आई थिंक वो तो हमेशा से ही होता है, आप कोई भी प्रोजेक्ट करें एंड पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट प्रोजेक्ट, तो हमेशा से ही रहता है कि हाँ कैसा जाएगा, कैसा लगेगा लोगों को। लेकिन मेकर्स और जो एक्टर्स हैं और जो टीम है, वो कोशिश यही करती है कि आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट करें, अपनी तरफ से बेस्ट ऑडियंस को प्रेजेंट करें, बाकी तो कहते हैं ना जनता बॉस है, वो डिसाइड करेगी उन्हें अच्छा लगा या नहीं लगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें अच्छा लगेगा। जी। और सबसे पहले अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके किरदार के बारे में जानूं, उससे पहले आपके शब्दों में तांडव। तांडव, अगर अंग्रेजी में कहूं तो एक शब्द में कहूं तो इट्स बिग, इट्स ह्यूज एज अ वेब सीरीज। और ये तांडव जो है हम सबकी जिंदगी में, जिसे कहते हैं ना कि ये वो वाला तांडव है कि जहां आम जिंदगी में भी हमारा स्मूथ तो चलता नहीं है ना, कहते हैं इसी का नाम तो जिंदगी है ना, कि स्मूथ चलती नहीं है जिंदगी, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अचानक होता रहता है, और जो अचानक होता है वही उसी का नाम जिंदगी है, क्योंकि अनप्रडिक्टेबल चीजें होती हैं हमारी लाइफ में, और आप उसको कैसे टैकल करते हैं, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, आई थिंक उसका नाम ही जिंदगी है। तो तांडव जो है इट्स ऑल अबाउट दैट। ओनली थिंग इज दैट के तांडव जो है वो एक बैकड्रॉप में वो सेट है, स्टोरी जो कहानी है, तो जो सारे जो तांडव हो रहा है वो राजनीतिक तांडव हो रहा है, लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। तो ये बताइए कि इस पॉलिटिकल ड्रामा में आपका किरदार क्या है, आप क्या कुछ धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ आ रहे हैं इसमें? जैसा हमने बात की कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है, इसका बैकड्रॉप पॉलिटिक्स है और नेशनल पॉलिटिक्स है, रीजनल पॉलिटिक्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, या नेशनल पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो ज्यादातर जो मेन किरदार हैं वो राजनीति से ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो मैं भी एक पॉलिटिशियन हूँ, एक पर्टिकुलर पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरी अपनी एक पार्टी है जो मेरे पिताजी ने शुरू की थी और मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ, और वो जो पार्टी है उसको वो इस पूरे जो जो फॉर्मेशन है हमारे तांडव का, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वो एक ऐसा किरदार बनकर सामने आता है जो कहने को तो बहुत शांत है, बहुत चुप रहता है, लेकिन जब जो बोलना होता है वो अपनी एक दो शब्दों में कहकर जरूर जाता है। सो अंग्रेजी में अगर कहें तो बहुत काम और कंपोज्ड किस्म का इंसान है वो, और ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है, इन द सेंस कि आप उसको प्रोवोक भी करेंगे तो वो ऐसा इंसान नहीं है कि आप उसको प्रोवोक करके के वो रिएक्ट कर जाएगा उस बातों पर। ही somebody जो बातों को सुनता है, उसको एनालाइज करता है और फिर अपनी सोच के हिसाब से उसका जवाब देता है। तो if I'm not wrong, तो आप इस सीरीज में कैलाश नाम के कैरेक्टर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, कैलाश कुमार। तो जब आपको ये कैरेक्टर ऑफर हुआ, ये रोल ऑफर हुआ, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था और आपको ऐसा क्या कुछ लगा, क्या क्लिक किया आपके माइंड में जब आपने इस रोल के लिए हाँ कहा?
सी दो चीजें थी, पहली मतलब अपार्ट फ्रॉम द रोल, जो रोल की बात आई वो तो बाद में ही, पहले ये आया कि जब पता चला कि ये तांडव है, अमेज़न पे आएगा और हिमांशु मेहरा इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं हिमांशु मेहरा को पहले से जानता था, मुझे मालूम था कि वो अच्छा ही कुछ बना रहे हैं बड़ा, और प्लस फिर पता चला कि अली अब्बास इज गोइंग टू डायरेक्ट दिस, सैफ अली खान इसमें हैं, डिम्पल कपाड़िया जी हैं, दिग्मांशु धूलिया हैं, बहुत सारे एक्टर्स। तो जब पूरा पूरा एक प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल पता चली कि ये प्रोजेक्ट कौन डायरेक्ट कर रहा है, कौन बना रहा है, किस प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम होने वाला है और कौन कौन एक्टर्स हैं, तो मुझे लगा कि रोल तो सुनी लेंगे, पहले हाँ बोल दो क्योंकि जो रोल होगा अच्छा ही होगा। तो ऑब्वियसली उसके बाद रोल भी जब सुना तो मुझे लगा कि नहीं अच्छा रोल है और मुझे सूट करता है। डायरेक्टर्स को भी लगा, मैंने जरूर डायरेक्टर से पूछा था कि क्या कोई और रोल है जो आपको लगता है मैं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा यस, रोल तो हमेशा से होते ही हैं लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप ये रोल प्ले करें और आप इस रोल में काफी फिट बैठेंगे। सो देन आई जस्ट वेंट विद द, क्या बोलते हैं उसको, जो डायरेक्टर का विजन होता है, उनके विजन और राइटर का जो विजन था उसमें हम आंख बंद करके कूद पड़े। ओके तो जैसा कि अभी आपने अनूप खुद बोला कि जो स्टार कास्ट है वो बहुत बड़ी है, बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है, तो आपकी सैफ के साथ, डिंपल के साथ, दिग्मांशु के साथ या सुनील के साथ, सबके साथ कैसी ट्यूनिंग है और सबसे अच्छी ट्यूनिंग किसके साथ रही शूटिंग के दौरान? जहां तक बाकी लोगों का सवाल था, डिंपल जी और सैफ को छोड़कर बाकी सब लोगों को मैं पर्सनली जानता था और ज्यादातर लोगों के साथ काम भी कर चुका था। दिग्मांशु धूलिया जी जो हैं वो मेरे सीनियर हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, कुमुद मिश्रा मेरे से एक साल जूनियर थे तो हमने हॉस्टल में भी काफी टाइम स्पेंड किया साथ में। सुनील ग्रोवर को भी मैं बहुत कई सालों से जानता हूं तो काम भी किया साथ में। तो ऑब्वियसली थोड़ी ट्यूनिंग तो उनके साथ ज्यादा थी जिनको आप पहले से जानते होते हैं, लेकिन काम करते वक्त सैफ के साथ बहुत अच्छी इंटरेक्शन होता था ऑफ द स्क्रीन। जब भी हम बात करते थे, बहुत नॉलेजेबल इंसान है वो भी, हर टॉपिक पे बात कर सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गुड एक्टर वो एक अच्छे इंसान भी हैं और कभी ऐसी फीलिंग नहीं हुई कि अरे आप एक फिल्म स्टार के साथ उस तरह का डील कर रहे हैं। ही वाज ऑलवेज वेरी फोर्थकमिंग बातों में और काफी डिस्कशंस भी होते थे, हम रोज एक टॉपिक चूज कर लेते थे। अच्छा। फिल्मों के बारे में भी और दूसरी चीजों के बारे में भी। और डिंपल जी को तो हम इतने सालों से, बचपन से ही देखते आ रहे हैं और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं वो, बहुत ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस हैं और जब आप काम करते हैं तब आपको ज्यादा पता चलता है। हम शायद उनको गाने बजाने वाली कमर्शियल फिल्मों के उससे जानते हैं लेकिन डिंपल जी बहुत बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हैं जो मैंने तांडव में उनके साथ काम करके महसूस किया। करेक्ट। और एक चीज और थी, जैसा कि हम सभी को पता है कि अली अब्बास जफर जो इतने जाने माने डायरेक्टर हैं और अब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज तांडव से डिजिटल डेब्यू कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म जो इस वक्त है हर किसी को अपॉर्चुनिटीज दे रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से कोविड में ओटीटी प्लेटफॉर्म ने हेल्प की है लोगों की और उन स्टार्स की हेल्प की है जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था सिनेमा में, ऐसे में क्या कुछ कहेंगे अली अब्बास जफर को लेकर? कितना बड़ा डिसीजन है उनके लिए ये? सी देखिए, मैं जैसे मैं हमेशा एक्टर्स के लिए कहता हूं कि जब आप कोई काम करते हैं और अगर आप उस काम को हाँ करते हैं कि हम मैं ये काम करना चाहता हूं, तब आप उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ करते हैं। प्लेटफॉर्म जब आप सोचते हैं तो आप अपने काम में कोई चेंज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू एज अ जर्नलिस्ट वर्किंग फॉर अ सर्टन ऑर्गेनाइजेशन, तो जब आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन चेंज करेंगी जो शायद उससे ज्यादा पॉपुलर ना हो जहां आप अभी काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत में कोई कमी आएगी या आपके काम में कोई कमी लाएंगे आप। उसी तरीके से आई थिंक जब डायरेक्टर भी, जब अली अब्बास भी जब वेब सीरीज के लिए उन्होंने डिसाइड किया, उनके दिमाग में था ये उनका ही क्रिएशन है, ये उन्होंने ही सोचा था कि हाँ ये, बिकॉज अगर आप देखें तो 9 एपिसोड का वेब सीरीज इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े कैनवस पर बनाना, वो किसी बड़े बिग बजटेड फिल्म से कम नहीं था। आपको काट रही हूँ बीच में, सॉरी, मैं वही कहना चाह रही थी कि ओटीटी ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है कि अब बड़े बड़े डायरेक्टर भी इसके जरिए वेब सीरीज ला रहे हैं, फिल्म ला रहे हैं, मैं कहना ही वही चाह रही थी आप। जी बिल्कुल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अच्छा डायरेक्टर ये सोचता है कि अगर मैं एक फिल्म बनाता हूं, तो कई बार वो एक 2.5 घंटे फिल्म जो है वो एक सर्टन टाइम लिमिट में बंद होती है और मान लीजिए उसके पास कोई कहानी है जो वो ऑडियंस को सुनाना चाहता है, क्योंकि फिल्म मेकर्स का काम ही कहानी सुनाना है ऑडियंस को, तो अगर उसे लगता है कि कोई कहानी ऐसी है जो शायद यार मैं 2 घंटे की फिल्म में नहीं, वो चाहते तो इस प्लॉट को, इस पूरी कहानी को एक फिल्म में भी तब्दील कर सकते थे, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, अगर मैं फिल्म बनाऊंगा तो ये जस्टिफाई नहीं हो पाएगा कि मैं 2.5 घंटे में फिल्म बना के इस पूरी कहानी को समेट दूं।
उन्हें लगा कि इसके लिए मुझे थोड़ा लॉन्गर फॉर्मेट चाहिए, और वेब सीरीज और अमेजोन जैसा प्लेटफॉर्म था तो मुझे लगता है उन्होंने यही सोचा होगा कि इसको वेब सीरीज बनाते हैं और एक ताकि मैं अपनी कहानी खुलकर और लंबे तरीके से कह पाऊं, तो अगर कुछ इस सीजन में बच गया है तो वो सीजन टू में अकोमोडेट हो जाएगा जी। और मैं अभी कहीं पढ़ भी रही थी कि उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला हुआ है अली अब्बास जफर ने कि उन्होंने सीजन टू की भी तैयारी शुरू कर दी है, स्क्रिप्ट वगैरह रेडी है। जी 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 जी, ऐसा ऐसी खबर बिल्कुल है और हम जल्दी शायद उसकी शूटिंग शुरू कर देंगे सीजन टू की भी। ओके, और एक और चीज थी कि जैसा कि राजनीति के बारे में ये फिल्म है तो देश को चलाने के लिए राजनीति की कितनी जरूरत होती है, आपको क्या लगता है? सी, राजनीति अगर आप ऐसे आप सिर्फ एक शब्द की बात करेंगे तो राजनीति के मायने बड़े नेगेटिव हैं। कि जैसे हम कहावत में भी कहते हैं ना, अरे वो इंसान बहुत राजनीति करता है। तो राजनीति शब्द जो है वो अपने आप में जो है वो थोड़ा सा बड़ा नेगेटिव सा शब्द हो गया है, मतलब बुरी इमेज है उस शब्द की। लेकिन जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो कोई सरकारी कंपनी हो, उसी तरीके से देश को चलाने के लिए भी कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है जिनको हम पॉलिटिशियंस कहते हैं। तो देश को चलाने के लिए नेताओं की जरूरत तो है ही। अब ये है कि बस देश को चलाने के लिए जो लोग आगे आते हैं वो अपना काम करें, वो अपना फोकस रखें कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो यही है कि हमें देश चलाने का काम दिया गया और हम देश को अच्छे से चलाएं। जी करेक्ट। लेकिन यहाँ पे अनूप जी, कई बार होता है कि कुछ नेताओं की वजह से सबकी छवि खराब हो जाती है, आप क्या कुछ बोलेंगे इस पे? ये मुझे लगता है बहुत ईमानदार होते हैं कुछ नेता, बहुत ईमानदार होते हैं, बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो सबकी छवि भूल जाती है कि अरे ये नेता है तो ये करप्ट होगा, मतलब एक टेंडेंसी बन चुकी है हमारे यहाँ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादातर प्रोफेशंस में होता ही है कि कुछ अच्छे लोग होते हैं कुछ बुरे लोग होते हैं, हमेशा हर प्रोफेशन में आपको मिलेंगे। लेकिन राजनीति चूंकि बहुत फोरफ्रंट में रहती है, राजनीति बहुत चर्चा में रहती है, डे टू डे लोगों की जिंदगी का हिस्सा है राजनीति पॉलिटिक्स, तो शायद ज्यादा न्यूज में वो बात आती है। तो जो ऐसी बातें होती हैं कि हाँ बुरे लोग भी हैं या अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर तरह के लोग हैं, और जो बुरे लोग हैं उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई आपको जो काम सौंपा गया है उसे अच्छे से करें, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई है। जब एक नेता चुनाव जीत कर आता है तो उसकी अपनी एक जिम्मेदारी होती है, और मुझे लगता है कि अगर आप कोशिश करें ईमानदारी से अपने काम को करने की तो, और ये सोचकर करें कि यार मैं जो कुछ कर रहा हूं मुझे एक जिम्मेदारी देश को चलाने की दी गई है, मेरे डिसीजंस मेरे काम जो है वो बहुतों की जिंदगियों को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि जब एक नेता कोई डिसीजन लेता है तो वो इस देश की आम जनता को भी अफेक्ट करता है, को ही अफेक्ट करता है, देश की आम जनता को ही अफेक्ट करता है, तो उनके वो जो डिसीजंस हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। ओके, और मैं चाह रही थी कि अगर आप नेता बन गए या अगर आपके अंदर कोई आपको ऐसी पावर मिल गई तो आप क्या कुछ बदलाव करना चाहेंगे देश में? सच में अगर ऐसा होता है कि मैं कभी पॉलिटिक्स में आता हूं या नेता बनता हूं या मुझे जिम्मेदारी मिलती है, तो मेरा पहला फोकस, ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं, मेरा पहला फोकस इस देश के एजुकेशन सिस्टम पे होगा। मेरी कोशिश ये रहेगी, मेरा पर्सनली ये मानना है कि एजुकेशन जो है वो किसी भी देश के लिए बहुत बहुत जरूरी है, उसकी प्रोग्रेस के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए। तो मैं कभी अगर नेता बना तो मेरा पहला फोकस यही होगा कि मैं किस तरह से अपने देश में कोशिश करूं कि हमारे देश का हर नागरिक जो है वो पढ़ सके। ओके 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 करेक्ट। और मैं चाहती हूं कि ये मौका जल्दी आए और हम लोग भी देख सके वो बदलाव, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं और कई लोगों को इकट्ठा होके एकजुट होके जब सब लोग एक साथ मिलेंगे तब ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। तो बहुत अच्छे ही आपके ख्यालात हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के जानकर। तो अब ये जी अनूप, अब मैं ये जानना चाहती हूँ आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, इसके बाद तांडव के बाद जो लाइनअप में होंगे वो बता दीजिए। कुछ फिल्में हैं, जैसे एक कमर्शियल फिल्म है हार्डकोर, जिसको हम कमर्शियल फिल्म कहते हैं, मेरे लिए तो फिल्म ही है बट लोग उसको उस कैटेगरी में बांट देते हैं। जॉन अब्राहम के साथ एक फिल्म है जो मिलाप जावेरी ने डायरेक्ट की है, सत्यमेव जयते 2। Yes. वो उसकी शूट मैं खत्म कर चुका हूँ, वो मई में शायद रिलीज हो जाएगी। उसके अलावा एक इंडिपेंडेंट फिल्म मैंने की है जो एक नए फिल्म मेकर हैं, पंकज जौहर, उसका नाम है कबीर उस फिल्म का, वो भी जल्दी ही शायद हो सकता है पहले वो फेस्टिवल्स पे जाए और उसके बाद वो रिलीज हो। फिर एक वेब सीरीज है जो इंडो चाइना वॉर पर बेस्ड है, वो भी रेडी है।
एक फिल्म है, वेब फिल्म है, जो कि एक रात की कहानी है, पूरी सिर्फ एक रात की। वो एक मर्डर मिस्ट्री है, थ्रिलर है, जिसमें मैं लीड रोल प्ले कर रहा हूँ, जिसका नाम है रात बाकी है। तो ये 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले महीनों में अभी आने शुरू हो जाएंगे। तो अब जाते जाते फैंस से और हमारे एनबीटी के व्यूअर्स से क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल 15 जनवरी है, तांडव के लिए क्या कुछ बोलेंगे? मैं यही कहूंगा कि प्लीज देखिए और कोशिश कीजिए कि अगर एक बार में ही सारे एपिसोड देख सके, मुझे उम्मीद है कि आप छोड़ नहीं पाएंगे, वैसे भी एक एपिसोड शुरू करेंगे, बहुत अच्छा बनाए। और प्लीज ऑनेस्टली अपने रिव्यूज दीजिए ताकि उन चीजों को हम एज एन एक्टर, मैं तो यही कह सकता हूँ अपने लिए कि एज एन एक्टर मैं हमेशा से रिव्यूज इसलिए पढ़ता हूँ अपने बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उसमें से क्या बेस्ट लेकर कुछ चेंजेस ला सकता हूँ, क्या उसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सो मेरी सारी ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टैंडअप मिस मत कीजिएगा। बहुत अच्छी बनी हुई सीरीज है, बहुत अच्छी लिखी हुई सीरीज है और बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं इस सीरीज में। जी हेलो, और आपके तांडव के लिए और आने वाले जो आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सभी के लिए एनबीटी की ओर से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू इति। थैंक यू सो मच। टेक केयर, स्टे सेफ। थैंक यू। ओके, बाय बाय। सेम टू यू। बाय बाय।